Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस दोस्त मुल्क चीन में हुई जिसमें दुश्मन मुल्क कामयाब हो गया। हम सोए रहे, हमारे सिफारतकार किस मर्ज की दवा है। गुज़श्ता दिनों होने वाले ड्रोन हमले की हमने रिवायती मुसम्मत भी नहीं की। ड्रोन हमले हमारी खुद मुख्तारी पर सवाल या निशान है। चौधरी निसार कौमी असेंबली में अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। ड्रोन अटैक्स नाकाबिले कबूल है। ये पाकिस्तान की आजादी और खुद मुख्तारी पर के लिए एक चैलेंज है और एक बहुत बड़ा निशाना है हमारी आजादी और मुख्तारी। नाकाम सियासतदान चोर दरवाजे से बरसरे इक्तदार आना चाहते हैं। मुल्क में जमहूरियत की बुनियादें मजबूत हैं, अब कोई पाकिस्तान को खतरनाक मुल्क करार नहीं दे सकता। वजीर दाखिला एहसन इकबाल का शब कदर में पासिंग आउट परेड से खिताब। नैब ने शरीफ खानदान के खिलाफ हुदैबिया पेपर्स मिल्स केस खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। जेआईटी रिपोर्ट में नए शवाहिद सामने आए। लाहौर हाई कोर्ट ने हकाइक देखे बगैर फैसला किया जिसे कलदम करार दिया जाए। अपील दायर करने के लिए कानूनी मियाद की पाबंदी भी खत्म की जाए। अपील में इस्तदा। ये कैसा तमाशा है, क्या ये फेयर है? सजात रेफरेंस में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने वजीर खजाना इसाक डार के काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का मुल्जिम को 10 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। नैब जराए के मुताबिक इसाक डार के असासे मुंजमद नहीं किए गए। इनके बैंक अकाउंट्स की तफसीलात रेफरेंस से मुंसलिक की हैं। समाअत 25 सितम्बर तक मुलतवी। कोशिश कर रहे हैं कौमी असेंबली में हकीकी ओपोजिशन लीडर लाएं। इमरान खान ने साफ कह दिया, ये भी कहा कि नवाज शरीफ और खुर्शीद शाह एक ही सिक्के के दो रुख हैं। इमरान खान नौजवान नहीं, बुजुर्ग सियासतदान हैं। इमरान खान हैदराबाद में गंदगी अपने साथ लाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्शाडियो की तनकीद। न्यूयॉर्क में वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और अमरीकी नायब सदर माइक पेंस की अहम मुलाकात जिसमें जुनूबी एशिया में नई अमरीकी पॉलिसी पर तबादला ख्याल। माइक पेंस ने कहा कि खत्ते की सलामती के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, बेहतर ताल्लुकात के लिए नई राहें तलाश कर रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तआवुन जारी रहेगा, पाकिस्तान इंसदादे दहशतगर्दी के लिए पुरअज़्म है। ताइवान के साथ किसी किस्म का सरकारी या गैर सरकारी राबता नहीं रखा जाएगा। शुमाली कोरिया समेत ऐसे ममालिक जिनसे ताल्लुकात कशीदा हैं उनसे राबते के लिए दफ्तर खारजा और वजीर आजम हाउस से पेश की इजाजत लेना लाजमी होगा। वज़रा सरकारी अफसरान और सिफारतकारों के लिए हिदायतनामा जारी। पाँच साल में चीन के साथ तिजारती खसारे में 3 गुना इजाफा हुआ। चीन के साथ तिजारती खसारा $4 अरब से बढ़कर $12 अरब तक पहुंच गया। वजारत तिजारत का कौमी असेंबली में तहरीरी जवाब। साहिवाल में पीपल्स पार्टी का जलसा आज शाम होगा। जियाले जोशो खरोश से तैयारियों में मसरूफ, बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। सेंट्रल जेल हरिपुर में मिशाल खान कत्ल केस की समाअत। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में 7 गवाहों के बयान रिकॉर्ड। समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी। मिशाल खान के वालिद कहते हैं, मुकदमे की समाअत से मुतमईन हूं, सूबाई हुकूमत ने कोई वादा पूरा नहीं किया। स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में मुट्ठी भर अनासर का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपगंडा। किराए के लोगों का अक्वामे मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल के इजलास की साइड लाइन पर मुजाहिरा। पाकिस्तानी हुकूमत की शिकायत पर स्विस हुकाम ने अब तक कोई नोटिस न लिया। मकबूजा कश्मीर में होने वाले मजालिम जेनेवा में बेनकाब। सड़कों पर जगह जगह पोस्टर्स और बैनर्स लग गए। आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी रुकवाने का मुतालिबा।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान फारूक कत्ल केस में फैसला महफूज कर लिया। कत्ल पाकिस्तान की सरजमीन पर नहीं हुआ। 788 की दफा खत्म की जाए, बैरिस्टर सैफ की इस्तदा। कराची में वेयर हाउस में धमाका, आग लगने से इमारत बुरी तरह मुतासर, एक मुलाजिम जान बहक और दो जख्मी हो गए। फायर ब्रिगेड ने डेढ़ घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। नजबेला के करीब भी रहायशी इमारत में आतिशबाजी, आग बुझाने की कोशिश जारी। पिशावर में लोगों के मुहाफिज के घर पर ही कब्जा हो गया। वीआईपीस की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस अहलकार असल बादशाह को भत्ते की पर्चियां भी मिलने लगी। बेटी भाई मदद को तैयार नहीं। असल बादशाह है, मैं वीवीआईपी सिक्योरिटी यूनिट में मैं एज ए रीडर ड्यूटी कर रहा हूँ। सिर्फ मुझसे भत्ता वसूल करने का मुतालिबा नहीं कर रहे हैं, वहाँ के लोगों से किसी भी बंदे से किसी भी शख्स से आप मालूमात ले सकते हैं कि इसका क्या रवैया है। आप इसके बारे यासीन ग्रुप नवीद कमांडर हैं, इस ग्रुप के बारे में आप लोग खुद बताएंगे, आपको लोग खुद बता देंगे कि ये किस तरह लोग हैं। आयशा भवानी कॉलेज की मलकियत का तनाजा बरकरार, तलबा ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। तनाजा हल होने तक तदरीसी अमल जारी रखने की इस्तदा, समाअत कल होगी। अक़वामे मुत्तहिदा में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर पर हिलरी क्लिंटन की सख्त तंकीद, कहा ट्रंप का अंदाज बहुत खौफनाक था, ये अमरीकी सदर को जेब नहीं देता। किम जोंग उन को रॉकेट मैन का नाम भी नहीं देना चाहिए था।